हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्स मेट का जोड़ो जो मैंने ऑर्डर किया था। सो वो अमेजोन से आया है, आज ही आया, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो इसका अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। और मुझे तो अनबॉक्सिंग करना आता नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बंदे कहा था मुझे कि जो भी प्रोडक्ट आए सो वो अनबॉक्सिंग करो, और ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग है, सो लेट्स ट्राई। तो चलो फाइनली ये कट होके ओपन हो चुका है, एंड आई थिंक ये बिल है। सो ये आया है 470 रुपीज़ में, आई मीन ये ऑफर था, सो ऑफर में मैंने ले लिया। और चलो अभी बॉक्स को निकलते हैं। सो और ये है हमारा बॉक्स एक्स मैट जोड़ो का वाइल्ड गेमिंग माउस। ये बॉक्स दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड पता नहीं ये स्टिकर्स वगैरह क्या है, और पीछे ये डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन है माउस का। एंड ये था मेरा पहला वाला नॉर्मल माउस, अभी ये माउस के स्विच भी कम नहीं करता, आई मीन कुछ जो भी काम करता था उससे चला लेता था गेम। एंड चलो न्यू माउस ट्राई करते हैं अभी। ये है बॉक्स और पीछे स्पेसिफिकेशन, एंड पता नहीं ये कुछ बूम बम कुछ है, ये कुछ बूम बम है। सो पता नहीं स्टिकर वगैरह क्यों लगा के रखे है ये लोगों ने। एंड पीछे ये डिटेल्स है माउस का, फुल डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन, DPI, USB एंड केस, सब कुछ है। और चलो अभी इसे ओपन करते हैं। और ये रहा माउस, और कवर के अंदर आई थिंक जस्ट डिटेल्स होता है ना, जो कागज वगैरह किताबें देते हैं ज्ञान लेने के लिए, और ये पता नहीं कोई कुछ कार्ड है शायद रिव्यू देने के लिए कि कितना रिव्यू दे सकते हो आप इनको, तो उसी का कार्ड है ये, और तो भाई कुछ नहीं। और ये आई थिंक ये फुल डिटेल्स है कि माउस को क्या कौन सा वाला स्विच कैसे काम करता है, आई थिंक वही डिटेल्स है वगैरह, DPI का सेम चीज़ है, लाइट ऑफ ऑन एंड स्पेसिफिकेशन सेम। और ये माउस मस्त कवर अप करके रखा है, बट कुछ भी हो माउस का डिज़ाइन बहुत ही मस्त है, सो कूल। आई थिंक नीचे वो सिल्वर टाइप का कुछ है, ये पता नहीं ये क्या है, बट लाइक सिल्वर जैसे कुछ है आई थिंक। बट पहले एक गेमिंग माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इतना अच्छा है, इतने लो प्राइस में बहुत ही अच्छा है, माउस का स्टाइल भी अच्छा है, एंड DPI स्विच थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है मुझे, और इसका वेयर भी बहुत ही हार्ड और बहुत ही मस्त है। चलो अभी इसे सेट करते हैं।
अभी घर में रोशनी की वजह से इसका लाइट उतना ग्लो नहीं दिख रहा है जो नाइट में दिखता है। एंड ये DPI को चेंज करने से, एक चीज़ इसका सही है कि DPI चेंज करने से लाइट चेंज होता है, मतलब तुम 100 या तो 3200 करो तो रेड हो जाता है। ये चीज़ बहुत ही मस्त लगा मुझे कि चलो ये तो पता चलेगा कि मेरा माउस कौन से वाले DPI पे चल रहा है। और इतने लो प्राइस में इतना अच्छा माउस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये माउस। अभी इसका स्विच भी बहुत ही मस्त है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है। और अभी ये देखो मेरे मॉनिटर को ऑन होने दो, इसी के वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मॉनिटर ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, मंथ नहीं हुआ है, तो अभी मैंने कंपनी पे कॉल किया तो मंडे को करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा। सो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एंड चलो अभी यही ख़त्म करते हैं। ये रहा माउस एंड ये बहुत ही अच्छा है। कोई गेमिंग माउस लेना चाहते हो तो लो प्राइस में बहुत ही अच्छा माउस है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं लाइव में या तो कोई दूसरे वीडियो पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।